नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हो आप सब। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 5 के अंदर हम लोग इकाई 6 पूर्ण, हम लोगों ने इकाई 6 पूर्ण कर दी है। अब विद्यार्थी मित्रों, इकाई 7 खाना खजाना, क्या सीखना है? खाना खजाना। उसके अंदर विद्यार्थी मित्रों चित्रपाठ दिया गया है। वह क्या है? वह एक चित्रपाठ है। पर वह चित्रपाठ को शुरू करने से पहले खाना खजाना के अंदर जो सब्जियों, जो अनाज और जो फल के नाम दिए गए हैं, तो उसके पहले हम इस पुस्तक में यह लिखा है योग्यता विस्तार, यानी कि इतना जानिए। तो इसके अंदर यह फल के नाम, अनाज के नाम और सब्जी के नाम दिए गए हैं, यह हम पहले जानेंगे, फिर बाद में वह पाठ पढ़ाने में और आपको सीखने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो पहला है चीकू। चीकू को गुजराती में क्या कहते हैं? चीकू। नारंगी, उसको भी क्या कहते हैं गुजराती में? नारंगी। संतरा, संतरा। अंगूर, द्राक्ष। अमरूद, जमरुख। आम, कैरी। यह फल आप सभी को बहुत पसंद है, हमें पता है। केला, केलू। खिरनी, यानी कि रायण। जामुन, जाम्बू। ये सब के अंदर आपको ये सब आता होगा, पर सिर्फ ये खिरनी, इसका ये रायण जो है, आपने रायण नू नाम सांभळेलू, पण खिरनी ने हिंदी में कहेवाय आपने खबर नथी, तो आज ये पण आपने खबर पड़ी गई। चलो आगर जाइए। नारियल, नारियल। फालसा, फालसा। शरीफा, सीताफल। विद्यार्थी मित्रों यह भी नाम एक याद रखने जैसा है। शरीफा, सीताफल ने आपड़े हिंदी में कहीशू शरीफा। अनानास, अनानस। अनार, दाड़म। इक, शेरड़ी ने आपड़े हिंदी में शू कहीशू? इक, जिसको हम गन्ना भी बुलाते हैं। आगे है खरबूजा, खरबूजा यानी शक्कर टेटी। आर्या, आर्या यानी चिबड़ू। विद्यार्थी मित्रों एक आपण जोई लेशु। तरबूज, तरबूज यानी तरबूज। विद्यार्थी मित्रों यह थे फल के नाम। किसके नाम थे? फल के नाम। अब हम अनाज के नाम देखते हैं, तो अनाज के नाम में यहाँ ध्यान रखना, उड़द, अड़द। ज्वार, जुवार। चावल, चोखा। बाजरा, बाजरी। मटर, वटाणा। विद्यार्थी मित्रों तुम्हें एम ना समझता कि वटाणा ये शाकभाजी है, वह अनाज के अंदर आता है, वह कठोल कहलाता है। आगे अरहर यानी तुअर, उसको हम गुजराती में कहेंगे तुवेर। चना, चना। मक्का, मकाई। मूंग, मग। विद्यार्थी मित्रों अब हम सब्जी के नाम देखेंगे, क्या देखेंगे? सब्जी के नाम। चलिए पहला है अरवी यानी कि अड़वी। कंकोड़ा, कंकोड़ा। फूलगोभी, फुलेवर। लौकी, दूधी। टमाटर, टमाटा। तुरई या तोरई, इसको बोलते हैं तुरियू। पालक, पालक। प्याज, कांदा, डूंगली। बैंगन, रिंगण। मटर, वटाणा, यह सब्जी में भी आता है और कठोल अनाज में भी आता है। रतालू, रतालू। अदरक, आदू। शकरकंद, शक्करियूं। आगे चलते हैं जमीकंद यानी सुरन, उसे हम कहते हैं सुरण। करेला, करेला। जो करेला होता है वह बहुत ही लाभदायी सब्जी है, उसका उपयोग ज्वर जैसे रोगों में हमेशा हम लोग करते हैं। विद्यार्थी मित्रों चलो आगे चलते हैं। कुम्हड़ा यानी कद्दू, उसको हम गुजराती में कहते हैं कोड़ू। गाजर, गाजर। ग्वारफली, गुवार सिंह। आगे चलते हैं चचरीड़ा यानी कुनरू, उसको हम कहते हैं टिंडोला। क्या कहते हैं?
टिंडोला, आलू, बटाका, सबकी फेवरेट सब्जी, परवल, परवल, पुदीना, पुदीनो, बंद गोभी, कोबीज, भिंडी, विंडो, मूली, मुड़ो। विद्यार्थी मित्रों, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वह हिंदी है और जो राइट साइड पे लिखा है यह गुजराती शब्द है। विद्यार्थी मित्रों, तो यह खाना खजाना जो इकाई के ऊपर मैंने आपको यह योग्यता विस्तार सिखाए अभी देखे, उसके अंदर हमने क्या क्या देखा, तो फल के नाम देखे, अनाज के नाम देखे और सब्जी के नाम देखे। अब हम इसके अगले वाले वीडियो के अंदर जो खाना खजाना नाम का जो पाठ है उसकी हम शुरुआत करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी सब्जियों के नाम भी आएंगे, देखो यह चित्र के आधार पर, और खाने पीने की चीज़ों के नाम आएंगे। उसके लिए मैंने आपको ये सब सिखा दिया, ये सब आप अपनी नोट के अंदर अच्छी तरह से लिख लेना और इसे अच्छी तरह से याद भी कर लेना, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। तो चलो मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर।